हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 10 संधि उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संधि की परिभाषा यानी कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद हमने देखा था कि संधि का अर्थ है मेल और विच्छेद का अर्थ है अलग करना। दो वर्णों के मिलने से जो एक शब्द बनता है उसे फिर से पहले वाली स्थिति में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद, संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वर संधि वह संधि है जिसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। जैसे धर्म प्लस आत्मा तो शब्द बना मिलकर धर्मात्मा। यहाँ धर्म के अ तथा आत्मा के आ का मेल हुआ और नया शब्द बन गया क्या, धर्मात्मा। ऐसे ही व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन का अथवा स्वर और व्यंजन का मेल होता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, उत प्लस चारण मिलकर शब्द बना उच्चारण। ऐसे ही वाक प्लस इस मिलकर शब्द बन गया वागिस। विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस रंजन तो शब्द क्या बन गया, मनोरंजन। हमने स्वर संधि के भेद देखे थे, उसमें पहला था दीर्घ संधि और गुण संधि। स्वर संधि के भेद में हम दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं और गुण संधि। आज हम उसका तीसरा प्रकार वृत्त संधि पढ़ेंगे। यदि पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए ऐ अथवा ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और औ हो जाता है। कैसे, तो हम उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहले दिया हुआ है अ प्लस ए तो क्या बना, ऐ बना। तो ऐसे ही एक प्लस एक तो क्या बन गया, एक एक। लोक प्लस एसणा लोकेशणा। आ प्लस ए ऐ यहाँ पे शब्द बना सदा प्लस एव सदैव। तथा प्लस एव तो क्या बन गया, तथैव। यदि पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए ऐ अथवा ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और औ हो जाते, यही वृत्त संधि कहलाती है। अ प्लस ऐ ऐ बना मत प्लस ऐक्य तो शब्द क्या बना, मतैक्य। ऐसे ही धन प्लस ऐश्वर्य तो शब्द बना धनेश्वर्य। अ प्लस ऐ ऐ शब्द बना महा प्लस ऐश्वर्य तो शब्द बना महेश्वर्य। दूसरा है अ प्लस ओ तो औ बन गया, वन प्लस औषधि तो शब्द क्या बन गया, वनौषधि। जल प्लस ओध दोनों को मिलाकर शब्द बना जलोध। दंत प्लस ओष्ठ शब्द बन गया दंतोष्ठ। अ प्लस औ शब्द बना औ। परम प्लस औषध दोनों को मिलाकर शब्द बना पर मौषध। परम प्लस ओदार्य परमोदार्य। ऐसे ही आ प्लस ओ तो क्या बन गया, औ। जैसे हमने अभी इसमें ही पढ़ा था कि ओ और औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है, तो ये ओ और औ वाला है। आ प्लस ओ औ, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, महा प्लस ओज महोज। आ प्लस औ औ बना महा प्लस औसत महोसत
महा प्लस ओद महोद। तो ये था हमारा वृद्ध संधि। चौथा प्रकार है इसका यण संधि। यण संधि के अंदर ई ई यानी छोटी और बड़ी तथा उ और ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो छोटी और बड़ी के स्थान पर य तथा छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर व हो जाता है। री के बाद कोई स्वर आए तो री का र हो जाता है। स्वरों के इस प्रकार के मेल को यण संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर छोटी और बड़ी तथा छोटा और बड़ा ऊ के बाद अगर कोई स्वर आता है, कोई अन्य स्वर आता है, तो छोटी और बड़ी के स्थान पर य हो जाएगा और छोटा और बड़ा ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। कैसे, तो हम उदाहरण देखते हैं। छोटी बड़ी प्लस अन्य स्वर, छोटी बड़ी के स्थान पर य हो जाता है। वो कैसे होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक तो क्या शब्द बना, अत्यधिक। अत्यधिक मतलब यहाँ पर जो अत्य है वो य बना। जैसे यहाँ पर पहले ही बोला गया कि छोटी बड़ी के साथ अन्य स्वर तो क्या बन जाएगा, य हो जाएगा। तो यहाँ पर अति प्लस अधिक तो शब्द क्या बन गया, अत्यधिक। ऐसे ही नदी प्लस अर्पण तो क्या बन गया, नद्यपण। तो यहाँ पे ये य जो होता है वो ई और ई के स्थान पर यहाँ पर य का प्रयोग हुआ है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नी प्लस उन तो न्यून, इति प्लस आदि तो इत्यादि, अति प्लस अन अत्यंत, नदी प्लस उर्मी नद्योर्मी, अति प्लस आचार अत्याचार, देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य। ये हुआ छोटी और बड़ी के अन्य स्वर के स्थान पर हमने य का प्रयोग देखा। अब आगे हमने देखा था कि छोटा और बड़ा ऊ प्लस अन्य स्वर के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, व हो जाता है। अभी य वाला देखा, अब व वाला देखेंगे। जैसे सु प्लस आगत तो दोनों को मिलाकर शब्द क्या बना, स्वागत। जैसे सु तो यहाँ पर छोटा हुआ तो उसके स्थान पर क्या लगेगा, स्वागत, तो ये लगा यहाँ पर व। अनु प्लस इति अन्विति, मधु प्लस आलय मध्वालय, अनु प्लस एषण अन्वेषण, सु प्लस इच्छा तो स्वेच्छा। तो ये हुआ छोटाऊ बड़ाऊ प्लस अन्य स्वर के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ, उसके स्थान पर व का प्रयोग होता है। तीसरा था री प्लस अन्य स्वर, री के साथ में अन्य स्वर तो री के स्थान पर प्रयोग क्या हो जाएगा, उसका र हो जाएगा। री के स्थान पर र का प्रयोग होता है। कैसे र हो जाता है, जैसे पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस आनन मात्रानन, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। तो ये हुआ हमारा यण संधि, जिसमें हमने तीन नियम देखे। छोटी बड़ी प्लस अन्य स्वर उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। छोटाऊ बड़ाऊ प्लस अन्य स्वर, वहाँ पर छोटाऊ और बड़ाऊ के स्थान पर व हो जाता है। ऐसे ही तीसरा देखा हमने री प्लस अन्य स्वर, री के स्थान पर र हो जाता है। तो ये हुआ यण संधि। पांचवा प्रकार है अयाधि संधि। अयाधि संधि ए ऐ तथा ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ और ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आ हो जाता है। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहले जो हमने देखा ए और ऐ तथा ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ, तो ए प्लस अन्य स्वर तो ए का क्या बनेगा, ऐ बनेगा। तो पहले हम वो देखते हैं कैसे ऐ बनता है। ने प्लस अन
नयन, न य न, तो यहाँ पर अय, अय हुआ न य न, से प्लस अन सयन, अय सयन। अब दूसरा देखते हैं, अय प्लस अन्य स्वर, एक अय का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। कैसे आय होगा, नय प्लस अक नायक, गय प्लस अक गायक, नय प्लस इका नायिका और गय प्लस इका गायिका। तो यहाँ पर आय नायक, ना यानी ना बोलेंगे तो आ और य, तो क्या यहाँ पर हुआ आय। ऐसे ही गायक, तो गा यानी कि आ और य, तो आय, वहाँ पर गायक में आय लगा हुआ है। अब है ओ प्लस अन्य स्वर, ओ का क्या होगा, औ हो जाएगा। कैसे, पो प्लस अन पवन हुआ, पवन, पो यानी कि ओ हुआ, प के साथ में ओ की मात्रा जुड़ी हुई तो ओ, ठीक है, प्लस अन तो उसका होगा पवन, तो वहाँ पर ओ के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ, पवन, तो प मतलब अ और व, अव, इस तरीके से वहाँ पर औ का प्रयोग हुआ है। भो प्लस अन भवन, औ प्लस अन्य स्वर, औ का आव, पौ प्लस अन पावन, पौ प्लस अक पावक, भो प्लस अक भावुक, नौ प्लस इक नाविक। तो ये हुआ हमारा पांचवा भेद अयादि संधि। अभी मुख्य बिंदु, दो शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो ऐसी संधि स्वर संधि कहलाती है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। स्वर और व्यंजन के मेल से अथवा व्यंजन और व्यंजन के मेल से होने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाती है, जैसे तत् प्लस लीन तल्लीन, वाक् प्लस इस वागिस। विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे नी प्लस जन निर्जन, मन प्लस रथ मनोरथ। स्वर संधि के निम्नलिखित पांच भेद होते हैं, दीर्घ संधि हस्व अथवा दीर्घ अ ई या उ के मेल का परिणाम दीर्घ आ ई तथा उ होता है, री तथा री के मेल से री बनता है। गुण संधि, उसके बाद हमने देखा वृत्त संधि, यण संधि और अयादि संधि, जो हमने विस्तार से आगे हम चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा लेसन था संधि, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।